अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल कॉर्नर में खुश आमदी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल बेटी के आज के एपिसोड यानी के सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू दूंगी और लास्ट एपिसोड का प्रोमो बताऊंगी। इस एपिसोड में आपने देखा कि सोनिया आराम कर रही होती है तो दादी आ जाती है और कहती हैं कि अपने ड्रामे बंद कर, तू तो है ही काम कोस, उठ और जाकर काम कर, इतने ज्यादा से काम पड़े हैं, उठ जा और बर्तन धो और नायला के भी कपड़े धो देना। सफेद सूटों को अच्छी तरह से धोकर उसके अलमारी में तय करके रख। वो बेचारी उठती है, कपड़े धोती है और बहुत ही मुश्किल से सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है। अभी जा ही रही होती है तो वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। तो उसका शोहर, सास और दादी उसे अस्पताल ले जाते हैं, उसकी हालत ठीक नहीं होती। दूसरी तरफ मरियम आज़र को कॉल कर रही होती है लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करता। तो वो बाहर आकर पूछती है कि ये आज़र साहब कहाँ हैं। तो उनको बताया जाता है कि उनके घर से इमरजेंसी कॉल आई थी, कोई एडमिट है हॉस्पिटल में जिसकी वजह से वो चले गए हैं। तो मरियम को अपनी बेटी का ख्याल आ जाता है कि अल्लाह करे मेरी बेटी को कुछ ना हुआ हो, वो खैर खैरियत से हो। दूसरी तरफ आज़र जब वहाँ पहुँचता है तो पूछता है ये सब कैसे हुआ। तो दादी कहती हैं पता नहीं, ये तुम्हारी माँ ही वहाँ पर खड़ी थी, वो सीढ़ियों से नीचे आ गई, थोड़ा सा काम क्या करना पड़ा, वो तो गिर ही गई, हम लोग तो इतने इतने काम करते थे, मैं तो आराम कर रही थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। दूसरी तरफ से मेरी डॉक्टर बाहर आती हैं और आकर कहती हैं कि सॉरी, हम लोग आपके पेशेंट को नहीं बचा सके, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उनकी जान नहीं बचा सके। जिस पर सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और दादी झूठे वैन करना स्टार्ट कर देती हैं। तैमूर को भी बहुत ज़्यादा धचका लगता है कि ये क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और जब मैयत को घर लाया जाता है तो मरियम भी दौड़ी दौड़ी वहाँ पर आ जाती है और कहती है अम्मी ये सब कैसे हो गया। तो तैमूर खरा कह रहा होता है कि बेचारी को दो बेटियाँ पैदा करने की इतनी बड़ी सज़ा मिली कि जान से ही हाथ धोना पड़ा। तो दादी उसे चुप करा देती हैं कि ना मेरा बच्चा ऐसे मत रो, और उसका जनाजा लेकर चले जाते हैं। लेकिन उनकी माँ की हालत बहुत ख़राब होती है तो मरियम उसे लेकर अंदर कमरे में चली जाती है और उसे हौसला देती है और कहती है कि मैं हार गई, मैं अपनी बेटी को ज़िंदगी देकर लेकिन खुद मैं हार गई हूँ, मैं सोनिया भाभी के लिए कुछ भी ना कर सकी और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो उसकी सास कहती है कि बेटा तुम शजिया को यहाँ से ले जाओ, मुझे नायला से बहुत डर लगता है, तुम्हारी शजिया यहाँ पर महफूज नहीं है, मैं उसका और सहारा नहीं बन सकती। जिस पर मरियम कहती है आप ऐसा मत कहें, अल्लाह के बाद मेरी शजिया सिर्फ आप ही के हवाले है, आप प्लीज़ मेरी शजिया का ध्यान करें। तो वो कहती है कि तुम कुछ भी करो लेकिन अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। और फिर मरियम वहाँ से जाने लगती है तो नायला कहती है अपनी बाहर बैठी जो दादी है उससे कहती है कि तुम यहाँ पर बैठी अपने पाँव पे ये जख्म के ड्रामे कर रही हो और वहाँ अंदर तुम्हारी चहेती मरियम अपनी सास के साथ पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजियाँ कर रही है। तो दादी कहती है कि ये देख मेरा पाँव इतना जख्मी है, पता नहीं क्या चीज़ काट गई, क्या लग गया, और तुझे ये सब फजूल लग रहा है, तेरे सामने ये कुछ है ही नहीं, और मुझे क्या पता वो अंदर क्या गुल खिला रही है मेरी बला से। और उधर से मरियम बाहर आ जाती है तो नायला उससे कहती है अब तुम सोनिया भाभी की वजह से यहाँ पर अपनी सास से हमदर्दी बटोरने रोज रोज मत आ जाना, तुम्हें ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की और इस तरीके से आज़र के पास होने की। तो मरियम कहती है कि रही बात आज़र की तो वो मेरे ही ऑफिस में काम करते हैं, मुझे अगर उनके पास होना है तो मैं वहाँ पर हो सकती हूँ और मेरी मर्ज़ी, मैं जब मर्ज़ी इस घर में आऊँ और जब मर्ज़ी इस घर में ना आऊँ, और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रात में तैमूर बैठा बहुत ज़्यादा उदास होता है और मरियम उसको कॉल करती है कि सुबह आप मुझे मेरी बेटी दे दीजिएगा, मैं आपको पैसे दे दूँगी।
तो तैमूर कहता है, हाँ ठीक है, तुम बस सुबह पैसों का इंतजाम कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस कर दूंगा। दूसरी तरफ आजर की माँ उसके रूम में जाती है और कहती है कि शजिया को मुझे दे दो, आज रात मैं संभाल लूंगी। जब उसकी माँ लेके जा रही होती है तो आजर देख लेता है कि मेरी माँ शजिया को लेके जा रही है, पर वो सो जाता है और उसकी माँ शजिया को लेकर घर से बाहर निकलती हैं और ऑटो करती हैं और सीधा मरियम के घर पहुंच जाती हैं। वहाँ जाकर मरियम देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि ये क्या, आप शजिया को ले आईं? और वहाँ घर में तैमूर बाहर सहन में बैठा है कि कब इस शजिया के रोने की आवाज़ आए और मैं उसे बाहर लेकर जाऊं, कोई तो मौका मिले, और वहीं पर सो जाता है। उधर मरियम कहती है कि आप शजिया को ले आई? और तैमूर भाई, तो वो पूछती है, तुमसे तैमूर ने कुछ कहा? तो मरियम बताती है कि हाँ, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपया दे देना और अपनी बेटी को ले लेना। तो वो कहती है, मुझे शर्म आती है कि मेरी ऐसी औलाद है, ऐसी औलाद से बेहतर था कि मैं बे औलाद हो जाती, मुझे क्या पता था कि मेरी औलाद इतनी बेहिस और जालिम होगी, सोनिया को मार के भी उसको चैन ना मिला। तो मरियम उसे हौसला देती है कि इसमें आपका क्या कसूर है, आप तो बहुत अच्छी हैं। और जब वो घर पहुंचती है तो सुबह तैमूर दादी की जगह पर सोया हुआ होता है, तो दादी आके पूछती हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तो वो डर कर उठता है और कहता है, क्या हुआ शजिया रो रही है, दे मैं उसको बाहर ले जाता हूँ। तो वो कहती हैं कि शजिया कहाँ से आ गई यहाँ पर? इतने में ही आजर और नायला नीचे आते हैं और कहते हैं, शजिया कहाँ है? अपनी माँ से पूछता है लेकिन वो नहीं बताती। सब लोग वहाँ पर जमा होते हैं और पूछते रहते हैं कि शजिया कहाँ है। तो उसकी माँ बताती है कि मैं उसे वहीं छोड़कर आई हूँ जहाँ उसे होना चाहिए था, मैं उसे उसकी माँ को दे आई हूँ। तो हशमत अपनी बीवी को मारने लग जाता है, तो आजर छुड़वाता है, तो उसकी बीवी कहती है, मैं सही कह रही हूँ। आजर कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उसकी माँ कहती है, तुम्हारे साथ अच्छा हो भी नहीं रहा था, तुम्हारा भाई तुम्हारी बेटी की कीमत लगा रहा था और 10 लाख रुपया मांगा था इसने मरियम से तुम्हारी बेटी के अवज। आजर कहता है, भाई आप कह देंगे झूठ है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तैमूर कहता है, हाँ किया था तो क्या हुआ, मेरी बीवी यहाँ सारा दिन काम करती थी और तुम लोगों ने उसको मार दिया, और तुम लोग पता नहीं मेरे साथ क्या करोगे, अगर मैंने कुछ पैसे मांग लिए, अपने बारे में सोच लिया तो क्या हो गया। फिर दिखाया जाता है कि मरियम अपनी बेटी को लेकर ऑफिस में होती है और मरियम की तरफ कॉल आती है, तो मरियम कॉल पर बात कर रही होती है। पीछे से आजर आ जाता है और अपनी बेटी से आकर कहता है कि मेरी बेटी तो शहजादी लग रही है, मुझे माफ़ कर दो कि मैं अपनी जिद और अना की वजह से तुम्हें अपनी माँ से मैंने दूर रखा। दूसरी तरफ घर में नायला तैयार होती है कि पता नहीं वहाँ पर क्या कर रहा होगा, मुझे तो पता भी नहीं कि आजर वहाँ पर मरियम के साथ ही होगा। और ऊपर से नायला ऑफिस पहुँच जाती है और देख कर कहती है कि वाह, घर में तो तुम ऐसे तमाशा लगा रहे थे कि तुम्हारी बेटी तुमसे दूर हो गया तो तुम कभी उसकी शक्ल नहीं देख सकोगे, और यहाँ पर तो अपनी चहेती बीवी के साथ भी तुम इंजॉय कर रहे हो और मुझे घर में तुमने किस लिए इंतज़ार पे लगाया हुआ है। तो आजर कहता है, तुम चुप कर जाओ। वो कहती है, नहीं अब फैसला होगा, तुम्हें इसको तलाक देनी होगी। मरियम तलाक का लफ्ज़ सुनकर एक दफ़ा हैरान रह जाती है, इससे पहले कि आजर या नायला कुछ बोलते मरियम कहती है, आजर साहिब आपकी बीवी पहले भी यहाँ आकर बहुत सा तमाशा कर चुकी हैं, ये ऑफिस है आपका घर नहीं। तो आजर कहता है, मरियम मैं नायला की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो नायला कहती है, वाह अभी भी अपनी चहेती बीवी का ही ख्याल है तुम्हें? मेरा कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। आजर उसकी बाजू पकड़ता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। मरियम ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। दूसरी तरफ जब घर पहुंचती है नायला तो दादी कहती है कि ये देख मेरे पाँव पे कितनी जोर का जख्म हुआ है, मुझे तो पता भी नहीं कि अब इसका क्या करूं मैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो नायला कहती है कि मुझे इससे घिन आ रही है, इतना बुरा जख्म है, मैं इसको कुछ नहीं करूंगी। तो दादी कहती है, इतनी तू बन मत। तो कहती है, मेरे बच्चे को जरासीम लग जाएंगे। दादी कहती है, बच्चे को जरासीम कैसे लगेंगे, वो तो अभी तेरे पेट में है। लेकिन नायला वहाँ से चली जाती है, तो दादी लेटी सोच रही होती है और सो जाती है, और उठकर
सोनिया को आवाज देती है कि यहाँ आ आके देख, मुझे इतना दर्द हो रहा है, कोई दवाई लगा। तू तो इतनी काम चोर है, हिलती ही नहीं है। ऊपर से उसकी बहू आ जाती है और आकर कहती है, अम्मा आप नाई आप सोनिया को क्यों बुला रही हैं? वो बेचारी तो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। आप मुझे बताएं क्या काम है, मैं कर देती हूँ। तो दादी कहती है, नहीं कुछ नहीं, तू चली जाए यहाँ से, तू जाके अपना काम देख। फिर सोच रही होती है कि किस तरह सोनिया और ये उनकी माँ मेरे इतने काम करती थी, मेरा हर हुक्म मानती थी। मरियम ने भी कभी मेरे साथ इस तरह का सलूक नहीं किया था जैसा ये नाइला करती है। यानी कि सेकंड लास्ट एपिसोड में आकर दादी को कम से कम अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ। फिर इतने में हशमत आ जाता है और आके माँ से कहता है कि तुझे क्या हुआ, तेरे मुंह पर क्यों 12 बजे हैं? तो उसकी माँ कहती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तू मुझे किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जा। तो हशमत कहता है, ठीक है ले जाऊँगा तुझे, ये जो पास वाला डॉक्टर है उसके पास। तो वो कहती है, नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जा। सोनिया को भी तो वहाँ लेके गए थे, वो भी मर गई ना, तू मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जा। तो हशमत कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे अच्छे डॉक्टरों के पास लेकर जाऊँ। तो वो कहती है, झूठ क्यों बोल रहा है, जो तूने इतने पैसे मरियम की माँ से हथियाए थे वो सारे पैसे कहाँ गए? तेरे पास बहुत पैसा है, मैं अच्छे से जानती हूँ। और ये सारी बातें तैमूर सुन लेता है। फिर नेक्स्ट प्रोमो में दिखाया जाता है कि तैमूर सारी की सारी हकीकत आज़र के सामने खोल देता है और आज़र ये सब कुछ सुनकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, दादी आप लोगों ने ये सब मेरे साथ क्या किया? दादी भी कहती है कि तो हम लोगों ने पैसे के लालच में अपने दोनों बच्चों को बर्बाद कर दिया। फिर दिखाया जाता है कि तैमूर पिस्तौल लेकर आ जाता है और कहता है, मैं जान से मार दूंगा, और उसके हाथ से गन चल जाती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि दादी बैठी वैन कर रही होती है कि मर्द कैसे मर सकते हैं, ये तो नहीं मर सकते। यानी इसका मतलब है कि आज़र, तैमूर या हशमत, इन तीनों में से एक को गोली लग गई है और वो मर गया है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कि किसको गोली लगी होगी। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।